वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लोग खूब सराह रहे हैं। पिछले 31 सालों से अपने आंसुओं को अपनी आंखों में कैद कर जीने को मजबूर लोग ये देखकर भावुक भी हुए। कई तस्वीरें और वीडियो सामने आई जिसमें फिल्म देखने के बाद इसके निर्माता विवेक अग्निहोत्री और उनकी पूरी टीम को लोग बधाई देते नजर आ रहे हैं और ये सच दिखा पाने के लिए धन्यवाद कहते भी हैं। देश के प्रधानमंत्री ने भी इस फिल्म को देखने के बाद टीम से मुलाकात कर कहा कि उन्हें भी ये फिल्म बहुत पसंद आई और वो भी इसे देखकर भावुक हो गए थे। अलग अलग राज्यों में भी इस फिल्म पर लग रहे टैक्स को हटा दिया गया, चाहे वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो या मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार। हरियाणा में भी द कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री की गई, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे पर भी विरोध जताना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि फिल्म की बजाय सरकार को पेट्रोल डीजल पर शुल्क घटाना चाहिए। जयंत ने बाद ट्वीट कर कही, जयंत चौधरी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, डीजल पेट्रोल पर शुल्क घटाओ, किसान के ट्रैक्टर और उपकरण पर टैक्स घटाओ, सिनेमा फिल्म के टैक्स फ्री घोषित करने का क्या अर्थ है। बीजेपी शासित राज्यों मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और हरियाणा में द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री हो चुकी है। इसके बाद विपक्ष के पेट में मशलन हो रही है और विरोध देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कई नेता इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की यह फिल्म देखी और उन्होंने लोगों से भी इस फिल्म को देखने की अपील की। मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि रूह कपा देने वाली फिल्म है कश्मीर फाइल्स। ये फिल्म बयां करती है कि कश्मीरी पंडितों का दर्द भारत माँ का दर्द, जो कश्मीरी पंडितों के वापस कश्मीर में सकुशल बसने पर भी शांत होगा। सबसे अपील है कि इस फिल्म को अवश्य देखें। फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री व उनकी टीम को बधाई। आपको बता दें, ये फिल्म 1990 में कश्मीर से अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हुए कश्मीरी पंडितों की कहानी है जो आज तक वहां वापस नहीं लौट सके। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।